हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डबली लिंक्ड लिस्ट की। इसके पहले वाले लेक्चर्स में हमने सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट और सिंगली लिंक्ड लिस्ट कवर कर लिया है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि जब हमने सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट पढ़ लिया है, सिंगली ने के कुछ डिसएडवांटेजेस हैं उसको ओवरकम सर्कुलर ने कर लिया है, तो हम डबली लिंक्ड लिस्ट पढ़ ही क्यों रहे हैं? ठीक है, तो डबली लिंक्ड लिस्ट पढ़ने के कुछ रीजन्स हैं और वो रीजन्स हैं सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट के डिसएडवांटेजेस। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सर्कुलर लिंक लिस्ट के डिसएडवांटेजेस की। फर्स्ट डिसएडवांटेज है, लिंक लिस्ट रिवर्सल इज नॉट ईजी। ठीक है, अगर मुझे लिंक लिस्ट का रिवर्सल करना है, मतलब अभी जहाँ मेरे पास 10, 20, 30 डेटा आने वाला है, मैं इसका रिवर्स ऑर्डर चाहती हूँ, मतलब 30, 20, 10 आ जाए, तो ये बहुत ईजी टास्क नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मुझे सबसे पहले तो रूट को पॉइंट करवाना पड़ेगा लास्ट नोड से और एंड को पॉइंट करवाना पड़ेगा फर्स्ट नोड से। फिर लास्ट नोड से उसके जस्ट प्रीवियस वाले नोड पे जाने का मेरे पास कोई पाथ अवेलेबल नहीं है, तो हमको सेकंड लास्ट पे जाना है, फिर थर्ड लास्ट पे जाना है, फिर फोर्थ लास्ट पे जाना है। ऐसे करते करते हमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस बैठाने हैं, प्लस हमें लेंथ कैलकुलेशन का भी एक हमारे पास तरीका है कि हम लेंथ कैलकुलेट कर लें लिस्ट की और फिर उससे लेंथ माइनस वन करते करते हम रिवर्सल फॉर्म में चले जाएँ। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हैक्टिक जॉब होने वाला है, तो इसलिए भी हम चाहते हैं कि जो सर्कुलर लिंक लिस्ट हम अभी तक पढ़ रहे थे उसको हम ऐसी सिचुएशंस में ना यूज़ करें जब हमें लिस्ट का रिवर्सल यूज़ कर देखना हो। ठीक है, नेक्स्ट डिसएडवांटेज है, गो बैक टू प्रीवियस नोड इज नॉट पॉसिबल इन ए सिंगल स्टेप। एक सिंगल स्टेप में हम जस्ट प्रीवियस वाले नोड पर नहीं जा सकते। मतलब मैं अगर नोड टू पे आ गई हूँ, मतलब मैं 20 डेटा वाले नोड पे अवेलेबल हो गई हूँ और मुझे चाहिए कि अब मेरा इसके जस्ट पहले वाला नोड कौन सा था, तो मेरे पास उसका कोई भी एड्रेस अवेलेबल नहीं है। फर्स्ट नोड से सेकंड पे जाने का रास्ता है मेरे पास अवेलेबल, बट सेकंड से वापस प्रीवियस फर्स्ट पे आने के लिए मेरे पास कोई पाथ नहीं है। मुझे वापस लेंथ के थ्रू या फिर पूरे लिस्ट को ट्रेवल्स करने के बाद उस तक पहुँचना पड़ेगा, तो ये हमारे लिए बहुत हैक्टिक टास्क है। इन दोनों ही रीजंस के कारण हम किस पे मूव कर जा रहे हैं, डबली लिंक लिस्ट पे मूव कर जा रहे हैं। तो हमने जब टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट पढ़ा था तो सिंगली पढ़ लिया है, सर्कुलर पढ़ लिया, अब हम बात कर रहे हैं डबली लिंक लिस्ट की। डबली लिंक लिस्ट ऐसा बोलता है कि मेरे पास एक नोड अवेलेबल है और उस नोड में अभी तक जहां हमारे पास दो पाथ होते थे, अब हमारे पास दो पार्ट होते थे, अब मेरे पास तीन पार्ट होंगे। राइट हैंड साइड में जो पार्ट लेफ्ट हैंड साइड में जो पार्ट अवेलेबल है वो एड्रेस पार्ट होगा, मिडिल में डेटा पार्ट होगा और राइट हैंड साइड में फिर एड्रेस पार्ट हमारे पास अवेलेबल होगा। ठीक है, मतलब अब मेरे पास जहाँ पहले एक लिंक होती थी, एक एड्रेस पार्ट अवेलेबल होता था, अब मेरे पास दो लिंक होगी, या फिर ये कह सकते हैं कि दो एड्रेस पार्ट हमारे पास अवेलेबल होंगे। एक एड्रेस पार्ट जो है वो प्रीवियस वाले नोड का एड्रेस कंटेंट करके रखेगा और डेटा के बाद वाला एड्रेस पार्ट जो है वो नेक्स्ट वाले नोड का एड्रेस कंटेंट करके हमारे पास रख लेगा, तो जिससे मुझे आगे फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों तरफ मूवमेंट इजी हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रैवर्सल इज बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन इजी। ठीक, डिलीशन इज मोर एफिशिएंट, इफिशियंटली हम डेटा को डिलीट भी कर पाएंगे क्योंकि मेरे पास पाथ ज़्यादा अवेलेबल है और दोनों ही पाथ जो है वो अलग अलग वे पे जाते हैं। फिर हम बात करते हैं क्विक इंसर्शन, डेटा का इंसर्शन भी कैसा हो जाएगा, क्विक हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास अगर मुझे फिफ्थ वैल्यू पे डेटा इंसर्ट करना है तो मैं नोड में हमारी लिस्ट में सिर्फ 6 नोड अवेलेबल है और फिफ्थ पे डेटा इंसर्ट करना है तो मैं बैकवर्ड पार्ट से उस पोजीशन पे एग्जैक्टली जा पाऊंगी। ये ज़्यादा और क्लियर हम आगे इसके प्रोग्राम्स बनाएंगे तो वहाँ आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि व्यू कैसा होगा। तो डबली लिंक लिस्ट का कुछ ऐसा व्यू होगा, रूट नोड एज यूजुअल हमारे पास अवेलेबल है, ये फर्स्ट नोड है हमारे लिस्ट का, फर्स्ट नोड का प्रीवियस नोड हमेशा कैसा होगा, नल होगा। क्यों? क्योंकि उसके आगे कोई भी नोड नहीं है। और नेक्स्ट नोड हमेशा कैसा होगा, कुछ ना कुछ एड्रेस कंटेन करके रखेगा और वो एड्रेस किसका होगा, जो भी नेक्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा होगा उसका एड्रेस होगा। फिर नेक्स्ट नोड पे गए तो नेक्स्ट नोड के पास प्रीवियस नोड कौन सा है, ये वाला, और नेक्स्ट नोड कौन सा है, ये वाला, तो इन दोनों का एड्रेस है। फिर नेक्स्ट पे गए तो प्रीवियस नोड कौन सा है 2000, नेक्स्ट नोड कौन सा है 4000। फिर लास्ट नोड पे पहुंचेंगे वैसे तो इसके पास प्रीवियस नोड तो अपने पास अवेलेबल होगा, उसका एड्रेस वो यहाँ डाल देगा, बट लास्ट नोड का कोई भी एड्रेस इसके पास नेक्स्ट नोड का कोई भी एड्रेस इसके पास अवेलेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये लिस्ट का लास्ट नोड है, तो अब इसके बाद कोई भी एड्रेस नहीं होना चाहिए, हम यही चाहते हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, नल वैल्यू आएगी। मतलब डबली लिंक लिस्ट के फर्स्ट नोड का लिस्ट का फर्स्ट नोड का जो प्रीवियस एड्रेस है वो कैसा होगा, नल, और लिस्ट का जो लास्ट नोड है उसका नेक्स्ट एड्रेस कैसा होगा, नल।
तो ये भी हमारे पास एक क्वेश्चन बन सकता है कि कहाँ कहाँ पे हमें नल वैल्यू सेट करनी होती है अगर हम डबली लिंक्ड लिस्ट क्रिएट कर देते हैं तो भी। ठीक, फिर हम डबली लिंक्ड लिस्ट के स्ट्रक्चर की बात करें या उसके डिक्लेरेशन की बात करें, तो अब हमारे पास नोड में 3 डेटा वैल्यू है, तो उसके स्ट्रक्चर में हम 3 वैल्यूज डिक्लेयर करेंगे। अभी तक हम 2 वैल्यूज ही डिक्लेयर करते आ रहे हैं, डेटा पार्ट और लिंक पार्ट। अब हमारे पास 3 वैल्यूज आ गई है। फर्स्ट है डेटा पार्ट एज यूजल, सेकेंड है लिंक पार्ट, वो भी किस टाइप का, स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर टाइप का ही रहेगा जैसे हमारे पास वहाँ पे लिंक पार्ट होता था, बट इस बार हमारा लिंकिंग के नाम क्या हो जाएंगे, लेफ्ट लिंक और राइट लिंक। ठीक है, लेफ्ट और राइट, और एक रूट रहेगा हमारे पास अवेलेबल जिसको हम इनिशियली क्या डिक्लेयर कर देंगे, नल डिक्लेयर कर देंगे। उसका नल डिक्लेयर करने का रीज़न भी हमारे पास यही है क्योंकि उसमें इनिशियली कोई भी नोड अवेलेबल नहीं है। जैसे जैसे नोड क्रिएशन करते जाएंगे हम मैलॉक के थ्रू, वैसे वैसे हमारे रूट की वैल्यू को हम चेंज करते जाएंगे। सिर्फ एक टाइम पे रूट की वैल्यू चेंज होगी जब फर्स्ट नोड क्रिएट होगा, उसके बाद वो रूट की वैल्यू हमेशा वैसी रहेगी और उस रूट की वैल्यू को हम एज यूजल किसी लोकल पॉइंटर में डाल के और फिर उस पॉइंटर के साथ सारे मैनिपुलेशंस करते हैं। इन सबसे आप अवेयर हैं, अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर फॉलो नहीं करे हैं तो प्लीज़ उन्हें फॉलो कर लीजिए ताकि आपको डबली इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, थैंक यू। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक बटन पे क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और अपडेट्स लेते रहिए। थैंक यू।